वो मुक्तिदाता है, शांतिदाता है, अनुग्रहकारी परमेश्वर। बाइबल कहती है उसके बिना कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, उसकी महिमा हो, उसकी जय जयकार। ओ हमें संकट के समय में बचाकर, हमें छुड़ाकर उसके करीब लेके आता है ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। वचन कहता है वो हमारा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है, और मिलकर उसकी आराधना करें तन मन से। जैसे भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, वैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। ओ हालेलुया, ओ तेरी स्तुति हो यीशु, तू योग्य है। चाहे संकट हो, चाहे मुश्किल है, क्यों ना हो, लेकिन तू मेरा दोस्त है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा स्वामी है। Thank you.
परमेश्वर में तेरी हुजूरी है, परमेश्वर में तेरे सामने मैं तेरी उपस्थिति को महसूस करता हूँ। मैं हूँ यहाँ से तेरी आराधना करने के लिए, मैं हूँ प्रभु। हमारे परिवार में महसूस करते हैं या दिखती है या आंखों से हमें दिखती है, वो परमेश्वर हमें देता है। और इसलिए ये जरूरी है हमारे जीवन में कि हम ये कहें, यीशु तेरी सेवा हम करेंगे, यीशु हम तेरी आराधना करेंगे, यीशु हम तेरी महिमा करेंगे। हमारे जीवन में संकट होगा, हमारे सामने मुश्किलें खड़ी होगी या अंधेरों से घेरे होंगे, लेकिन परमेश्वर को महिमा देने वाले वो विजय को हासिल करेंगे। ओ तेरी सेवा करने वाले, तेरी महिमा करने वाले आशीषित है प्रभु। आखिरी बार मेरे साथ मिल गाए, प्रभु मैं हूं यहाँ, मैं हूं तेरी सेवा करने के लिए, मैं हूं तेरी महिमा करने के लिए। अपने आप को उपलब्ध दिखाए, समय हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस भारत देश की सेवा में जुड़े हुए हैं, हर एक अधिकारियों के लिए, हर एक कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, परमेश्वर आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर हैं। तेरे वचन में लिखा है हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, और हम इस वक्त हमारे भारत देश में जितने लोग सेवा में कार्यरत हैं, परमेश्वर हम सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। छुटकारे की घोषणा करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं, यीशु तेरे राज्य की घोषणा इस वक्त हम करते हैं और कहते हैं हमारा भारत देश उन्नति की ओर बढ़ता जाए, हमारा भारत देश ओ आशीषों में बढ़ता जाए, हमारा भारत देश हर हर जगह ओ तेरी महिमा में बढ़ता जाए, ऐसे हम दुआ करते हैं। और जितने लोग प्रभु तेरी आराधना करते हैं हर जगह, उनको तू आत्मा में भरकर आराधना करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य और अभिषेक से भरिए, ऐसे हम दुआ करते हैं। ये आराधना तूने हमारे जीवन में आशीषों का कारण तूने ठहरा दिया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारी स्तुति और आराधना केवल